फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स लेकर आई हूँ। आज हम किचन के कैबिनेट को किस तरीके से घर में बने सॉल्यूशन से क्लीन कर सकते हैं, उसका तरीका मैं लेके आई हूँ। मैं जो तरीका आपको बता रही हूँ उससे आपका किचन कैबिनेट बहुत और नीचे के भी जो कैबिनेट्स हैं वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे कैबिनेट में कितने ऑयल के छींटे लगे हुए हैं, क्योंकि मेरा गैस ठीक इसके नीचे है, इसलिए मैं जो भी बनाती हूँ इसमें लग जाते हैं। तो मैं जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ उसी तरीके से और उसी सॉल्यूशन से मैं अपने कैबिनेट को क्लीन कर लेती हूँ और बहुत आसानी से क्लीन हो जाती है और इसकी चमक भी वापस आ जाएगी। तो चलिए मैं बता देती हूँ कि हमें इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हम एक ही नाप का यूज़ करेंगे। मैं जो कप यूज़ कर रही हूँ वही कप से मैं सब कुछ का मेजरमेंट करूँगी। तो मैं अब इसी 2 कप पानी ले लेंगे एक बर्तन में। हम आप एक ही मेजरमेंट रखिएगा। तो मैंने 2 कप पानी ले लिया है एक बाउल में। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप विनेगर, ये व्हाइट विनेगर है। तो मैं उसी कप से नापूंगी जिससे मैंने पानी नापा था, उसी कप को नाप के मैं इसमें विनेगर यूज करूंगी। तो मैंने 1 कप विनेगर भी डाल दिया है इसमें। फ्रेंड्स, ये सॉल्यूशन बहुत ही लाभकर है, आप इसे जरूर यूज करें और जरूर बनाएं। अब हम यूज करेंगे बेकिंग सोडा, ये ईटिंग सोडा भी हम कहते हैं। इससे मैं 2 टीस्पून इतना मैं बेकिंग सोडा यूज कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि इसमें बबल्स होने लगे हैं। जब विनेगर और सोडा आपस में मिलते हैं तो रिएक्शन होता है, तो उसे हमको कुछ नहीं करना, वो अपने साइलेंट हो जाएगा। अब हम 3 चम्मच हम लिक्विड डिश सोप यूज करेंगे। तो मैं टीस्पून से नाप के यूज कर रही हूँ। मैं 3 टीस्पून हम लिक्विड डिश सोप इसमें डालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैं 3 चम्मच जितना मैंने लिक्विड डिश सोप ले लिया है। आप कोई भी ब्रांड का लिक्विड डिश सोप यूज कर सकते हैं, जो आप यूज कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक। सारे सॉल्यूशन को मैंने अच्छे से डाल लिया है, तो अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक और एक बार सॉल्यूशन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि इस पे बहुत सारे बबल्स हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। जब ये पूरी तरीके से बबल्स साइलेंट हो जाएगा तब हम इसे यूज करेंगे। आप देख सकते हैं बबल्स नीचे बैठ गए हैं। तो अब हम लिक्विड जो हमने सॉल्यूशन बनाया है उसे किसी भी स्प्रे बॉटल में डाल लें। मैं सारा का सारा लिक्विड को डाल रही हूँ, अच्छे से मिक्स करके डालें क्योंकि नीचे बैठ जाता है। आप देख सकते हैं मैं इस तरह से हिला के फिर वापस इसमें डाल दूंगी। और अब हम इसे बंद कर देंगे और अब आपका सॉल्यूशन तैयार है। फ्रेंड्स, अब हम जहां पे आपके तेल के दाग लग गए हैं, जहां पे आपको क्लीन करना है, आप इसे स्प्रे करें और एक साफ कपड़े से उसे पोंछते जाएं। तो मैं आपको दिखा सकती हूं कि मैं किस तरीके से कर रही हूं। इसी तरीके से स्प्रे करें क्योंकि इस कैबिनेट में मेरा ऑयल का छींटा ज़्यादा लग जाता है, ज़्यादा मोटे परत जैसी बढ़ जाती है, क्योंकि मेरा गैस ठीक इसी के नीचे है। जब भी मैं सब्जियां बनाती हूँ तो आपको तेल के छींटे इसी कैबिनेट पे ज़्यादा पड़ते हैं और छौंका लगाने से तो पूरे फ्रिज वगैरह पे भी पड़ जाते हैं। तो आप इस सॉल्यूशन से फ्रिज को भी क्लीन कर सकते हैं, उस पे लगे ऑयल के दाग क्लीन कर सकते हैं, शीशे पे लगे ऑयल के दाग क्लीन कर सकते हैं और इस तरीके के अपने किचन कैबिनेट को इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसे यूज करने से आपका कैबिनेट पहले की तरह शाइन भी करने लगेगा। इसी तरीके से आप यूज करते जाएं, स्प्रे करें और किसी भी साफ कपड़े से इसे अच्छे से रब कर लें। मैं इस तरीके से मैं पूरे किचन के कैबिनेट को मैं क्लीन कर लेंगी। फ्रेंड्स, ये बहुत ही यूजफुल तरीका है अपने किचन कैबिनेट को क्लीन करने का, या फिर आपके ऑयली कोई भी चीज़, अगर टाइल्स में भी ऑयल लगे हैं तो ये सॉल्यूशन से आप बहुत ही अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। आप इसी तरीके से रब करते जाएं और अच्छे से क्लीन करते जाएं।
मैं नीचे के भी के कैबिनेट को भी मैं इसी तरीके से क्लीन करती हूँ, क्योंकि वो भी डेली डेली टच करते करते वो भी थोड़ा ऑयली हो जाते हैं। तो इसी तरीके से हम सारे कैबिनेट में इसी तरह के स्प्रे करेंगे और इसे साफ कपड़े से पोंछ लेंगे। फ्रेंड्स इसे आप इसे फर्क आपको बहुत जल्द दिखेगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से क्लीन कर देता है। और आप देख सकते हैं कि मेरे कैबिनेट का शाइन भी वापस आ गया है। धीरे धीरे मैंने आपको सारे कैबिनेट को क्लीन करके दिखाया है। ये तरीका बहुत ही यूज़फुल है फ्रेंड्स, आप इसे ट्राई करें। और अगर आप इसे ट्राई करते हैं और आपको ये यूज़फुल लगता है, आपके लिए वर्क करता है, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन तो ज़रूर टैप करें, ताकि इसी तरीके से इजी, नई और आसान ट्रिक्स हम आपके लिए हमेशा लाते रहें। धन्यवाद। Thank you.